In this video, I wanna show you OnePlus Nord unboxing, so let's start. हे गाइज, मेरा नाम महेंद्र है और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ OnePlus Nord की, जो कि OnePlus का सबसे लेटेस्ट एंड फ्लैगशिप डिवाइस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमारे पास है Nord और आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो चलिए सबसे पहले की जो रैप है वो हटाते हैं। OnePlus वालों का भी कुछ कमाल ही फंडा है। देखते हैं इसमें मोटर वगैरह फिट कर रखी नहीं कर रखी। ऑलरेडी इसमें तो मोटर लगी हुई है। सो ये हमने बॉक्स ओपन कर लिया है। सबसे पहले ऊपर पड़ा है OnePlus Nord, इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं अंदर क्या क्या है। साला का खतरा पट्टी लगा रखी है। ओके, सो वेलकम लेटर। टीपीयू केस जो कि थोड़ा सा स्ट्रांग है अदर कंपैरिजन में। इसमें देखते हैं क्या है। सिम इजेक्टर पिन, जिसमें आप देख सकते हैं स्माइली वगैरह कुछ है थोड़ा बहुत। ओके, ये स्टिकर्स वगैरह है इसमें OnePlus वालों की तरफ से, तो इसको आप अपनी दीवार पे वगैरह चिपका सकते हैं। देखो मैंने OnePlus Nord लिया है, Nord का स्टिकर है तो आप लगा ही सकते हो। क्विक गाइड, एज यू कैन सी क्विक गाइड के बाद सेफ्टी इंफॉर्मेशन, रेड केबल क्लब का एक कार्ड मिलता है जो कि एक एटीएम कार्ड जैसा दिखता है, बट ये भाई एटीएम कार्ड नहीं है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम बाद में किसी को देंगे तो वो पढ़ेगा और 10th और 12th में टॉप कर सकेगा। और इसके बॉक्स में आपको साथ में मिलता है OnePlus वालों का रैप चार्ज। सो इसका आउटपुट है 5V 2A और 5V 6A, मतलब इसका आउटपुट आपको 30 वोल्ट के अप्रोक्स इसका आउटपुट मिलेगा, जो कि एक फास्ट चार्ज है। सो बढ़िया बात है। और इसमें मिलती है आपको टाइप सी केबल जो कि लाल पीली है। सो इन सबको करते हैं साइड में। अब आते हैं स्मार्टफोन पर, डिवाइस पर। सो ये हमारा OnePlus Nord जो कि दिखने में एकदम सुपीरियर लग रहा है। और मैं कह सकता हूँ इसका वेट वगैरह मुझे थोड़ा बहुत सही लगा, क्योंकि यार मीडियम वेट है। मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 200 ग्राम्स इसका वेट हो सकता है। तो चलिए इसका रैप हटाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि यार इसमें अलग से फीलिंग आती है। इसको फील करने के लिए मैं इतना दूर आया हूँ इसको अनबॉक्सिंग करने। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और इसका रैप हटाते हैं। सो आप सुन सकते हैं इसको, वाओ कुछ अलग सा फील आ रहा है। ओके, सो ये हमारा OnePlus Nord है, एकदम दिखने में एकदम ब्यूटी क्वीन की तरह दिख रहा है और एकदम क्या बताऊँ आपको,
पीछे तो प्लास्टिक है, साइड में इसको मेटल नहीं बोल सकते, ये मेटल नहीं है यार। मेटल होता तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील होता, ये ऐसा लग ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, एज़ कम्पेयर टू माई एसूस तो उसमें भी ये कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, ये प्लास्टिक ही है बेसिकली। तो इसकी बॉडी वगैरह मुझे कुछ प्रीमियम फील ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, बट एवरेज क्वालिटी बोल सकता हूँ। इस प्राइस पॉइंट में जो वीवो के X50 वगैरह स्मार्टफोन्स है तो कंपेरिजन में एवरेज बोल सकता हूँ, इतना बढ़िया नहीं बोल सकता। सो और रिव्यू की बात करते हैं तो इसमें ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा 4 कैमराज है, और फ्रंट की तरफ भी आपको 2 कैमराज है दिख रहा होगा। ओके सो उसको सेटअप करते हैं और मिलते हैं सेटअप करने के बाद। सो अब करते हैं इसको बूट, इससे पहले इसके ये 2-4 जो स्टिकर्स हैं इनको हटाते हैं। ये कुछ स्टिकर्स हैं और इसकी त्वचा परत। ओके सब हटाते इसके रैप को। वाह क्या फील आया है। करते इसको बूट, हल्का सा वाइब्रेट हुआ है, ज़्यादा तो कुछ नहीं। चलो वन प्लस वालों ने फ़ोन हल्के बनाने स्टार्ट कर दिया है। पहले जो फ़ोन निकलता था 60, 50, 70 तो उनमें कुछ अलग सी प्रीमियम फील आती थी, बट इसमें क्या बोले, अब जो है वो है, वन प्लस वालों की मर्जी। सो ये हो गया बूट, इसको करते हैं जल्दी से सेटअप। तो हो गया ये सेटअप कंप्लीट, और सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगी यार, ये जैसे ही इसको हम अनलॉक करते हैं तो ये वॉलपेपर लाइव मतलब स्क्रॉल करता है साथ में, और इसमें आपको मिलता है 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जो कि स्क्रीन को एकदम स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। और ये इसकी स्क्रीन की साइज़ है 6.44 इंच, 180x2400, ठीक है। और इसके बाद इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर। एज यू कैन सी हियर इज द, आप देख सकते हो इसमें प्रोसेसर दे रखा है, स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर है, और स्टोरेज है 12GB रैम एंड 256GB रोम। कैमरा इसमें मिलता है 48 विद OIS एंड +8+5+2 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, और फ्रंट में इसमें मिलता है आपको 32+8 मेगापिक्सल डुअल कैमरा है फ्रंट में। ओके सो स्क्रीन सबसे हाईलाइटेड पार्ट है इस स्मार्टफोन का, तो इसमें आपको स्क्रीन में मिलता है 90 हर्ट्ज का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 6.44 इंचेस का। सो हिज द वन प्लस नॉर्ड एंड इट सपोर्ट एंड्रॉयड 10 विथ ऑक्सीजन OS वर्जन 10.5। ये इसके कुछ स्पेक्स थे जो कि स्मार्टफोन में हाईलाइटेड पार्ट है। सो गाइज ये मैं यूज़ कर रहा हूँ बैक कैमरा, जो कि है 1080p 60fps, जिसमें आप देख सकते हो मिड स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी है, तो आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का है। सो ये बैक कैमरा है 1080p 60fps। अब स्विच करते हैं 4K 30fps पे, 4K में इसमें 30fps ही अवेलेबल है। सो ये वीडियो है 4K 30fps, इसमें इमेज और ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा 60fps और 30fps, और वो भी 4K और 1080p में फुल HD में, तो आपको फ़र्क दिख रहा होगा कितना फ़र्क है इसमें। अब स्विच करते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। सो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 4K 60fps पर, और इसमें आपको मिलता है सोनी का IMX616 सेंसर, जो कि आई थिंक बढ़िया डिटेल कैप्चर कर रहा है। सो आई थिंक यू कैन सी शेक वगैरह आ भी रहे होंगे इसमें, बट बहुत कम आ रहे होंगे। ओके अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ फ्रंट और बैक कैमराज के फ़ोटो सैंपल्स, देखते हैं फ़ोटोज़ में ये कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, बाकी वीडियो में मुझे ये सही लग रहा है।
सो फ्रेंड्स, आपने स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स और वीडियोस देख लिए होंगे तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि इसका कैमरा किस टाइप का है। सो इसमें सोनी के सेंसर्स दे रखे हैं तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि यार सोनी के सेंसर में जो डिटेल्स मिलती है वो अदर सेंसर में नहीं मिलती। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो अब बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस रेंज को लेकर, जिसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें आपको 664 की प्राइस जिसमें आपको मिलती है 25,000 के अप्रोक्स, और उसके बाद सेकेंड वेरियंट आता है जो कि आपको मिलता है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ, और उसकी प्राइस आपको मिलती है 28,000। और थर्ड वाला वेरिएंट जिसकी हमने आज अनबॉक्सिंग की थी तो उसकी प्राइस आपको मिलती है 30,000, और जिसमें आपको 12GB 256GB रोम के लिए, तो उसमें आपको अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन में आपको मिलती है 4115mAh की बैटरी जो कि आपको अप्रॉक्स 1 to 1.5 डेज का बैकअप दे देगी अच्छे से। मेरे लिए तो 5000 भी कम पड़ते हैं, बट आपके लिए ये एक ठीक ऑप्शन रह सकता है। और इसमें आपको साथ में मिलता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो कि 30W का चार्जर है रैप चार्ज, तो वो भी आपको बिल्कुल फास्ट चार्जिंग करके दे देगा। सो इस स्मार्टफोन में बात करते हैं सिक्योरिटी की, जिसमें आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉकिंग का सिस्टम जो कि अच्छा ऑप्शन है। अभी लेटेस्ट डिवाइस में यही ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है सिक्योरिटी के मामले में। ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 5G को, बट क्या करें, इंडिया में अभी तक 5G का कोई ना नेटवर्क है ना कुछ स्पीड है, क्योंकि 4G की स्पीड ही इन्होंने कर दी है 3G और 2G के बराबर। मेरे वीडियो अपलोड करने में मेरे को एक दिन पूरा लगता है YouTube का, तो यार ये बहुत बुरी बात है, बट क्या करें, सुधार करो धीरे धीरे। स्मार्टफोन लॉन्च करने से क्या होगा, 5G भी दे दिया आपने, बट नेटवर्क की स्पीड बढ़ाओ, नेटवर्क को स्टेबल करो यार। सो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की सबसे हाईलाइट फीचर पर, जो कि है इसका कैमरा। इसमें आपको मिलता है 48MP सोनी का सेंसर जो कि है 1.8 अपर्चर के साथ। सो सेकेंडरी कैमरा इसमें मिलता है 8MP का जो कि है अल्ट्रा वाइड कैमरा, एंड थर्ड कैमरा मिलता है जो कि 5MP का जो कि है डेप्थ कैमरा। सो डेप्थ अच्छी कर लेता है इसमें, मैंने आपको पोर्ट्रेट दिखाया, तो ये एक पोर्ट्रेट देख सकते हो आप जो कि पोर्ट्रेट मोड में लिया हुआ है। सो इसमें बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ अच्छे से ब्लर हुआ है, सो पोर्ट्रेट में ये अच्छा काम कर रहा है, 5MP है बट अच्छी बात है। सो फोर्थ कैमरा इसमें मिलता है आपको 2MP का जो कि है मैक्रो शॉट के लिए, बट ये कैमरा बिल्कुल अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, जो कि मैक्रो शॉट बिल्कुल अच्छे नहीं लेता है। सो मैक्रो कैमरा के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मैक्रो शॉट इससे लो, इससे बेटर आप डेप्थ कैमरा यूज़ करके अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, फिर आप उसको क्रॉप करके यूज़ कर सकते हो। सो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है मैक्रो फोटोग्राफी के लिए। सो चलिए, ये थे कुछ बैक कैमराज के फीचर्स। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की, जो कि है 32MP जो कि सोनी का सेंसर है, और इसमें आपको अपर्चर मिलता है 2.5 का जो कि लो लाइट में बिल्कुल बढ़िया तो नहीं बोल सकता, बट अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है। सो सेकंड कैमरा इसमें एक और मिलता है जो कि फ्रंट में मिलता है, वो है 5MP का जो कि वाइड एंगल कैमरा है, और जो 32MP का है वो है अल्ट्रा वाइड। सो अल्ट्रा वाइड में 32 यूज़ कर सकते हो और वाइड एंगल में आप 5MP यूज़ कर सकते हो, ओके। और अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा में वीडियो की, जो कि आपको बैक कैमरा जो कि प्राइमरी कैमरा है उससे भी बेटर रिजल्ट दे देगा, क्योंकि वीडियो में ये कैमरा फ्रंट में आपको देता है 4K 60fps तक, जो कि आई थिंक बेस्ट है।